नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय अपनी कारगुजारियों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है। विश्वविद्यालय में अनियमितता और विश्वविद्यालय की गलतियों का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। इन दिनों परीक्षा परिणाम में त्रुटि को लेकर कई छात्र परेशान हैं और लगातार विश्वविद्यालय का चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। इस मामले पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुखर होकर आंदोलन शुरू किया है। विद्यार्थी परिषद की छात्रा विंग की नेत्री दीक्षा कुमारी के नेतृत्व में परीक्षा परिणाम में त्रुटि और विश्वविद्यालय में अनियमितता की मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल विश्वविद्यालय प्रबंधन से मिलकर अपनी मांगों को रखा है। इस मामले में दीक्षा कुमारी ने बताया कि परीक्षा परिणाम में बड़े पैमाने पर त्रुटि बरती गई है, जिसका परिणाम छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। इस मामले में विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। इधर विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता विनीत पांडे ने कहा है कि विश्वविद्यालय में घोर अनियमितता बरती जा रही है, चाहे परीक्षा विभाग हो या विश्वविद्यालय का कोई भी विभाग या विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाइयां, सभी जगहों में घोर अनियमितता बरती जा रही है, लापरवाही बरती जा रही है, जिसके भुक्तभोगी छात्र हो रहे हैं। इस मामले को लेकर विद्यार्थी परिषद चुप नहीं बैठेगी। अगर शीघ्र ही मांगों पर सार्थक कार्रवाई नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन भी करेगा। विद्यार्थी परिषद के द्वारा और सभी छात्र छात्राओं के द्वारा हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुख्य विषय है कि स्नातकोत्तर के जो भी रिजल्ट आया है वह असंतुष्ट है, उससे हम सभी असंतुष्ट हैं। एक तो परीक्षा विभाग की मनमानी हुई कि हम सभी के क्वेश्चन बदल दिए गए, समय का भी अभाव हुआ, उसके साथ ही रिजल्ट दिया जा रहा है और सभी का रिजल्ट असंतुष्ट लायक है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन से यही चाहती हूँ कि रिजल्ट सुधार हो, नहीं तो फिर हम सभी आंदोलन, उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। इसकी जवाबदेही विश्वविद्यालय की होगी। नीलांबर विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातकोत्तर फाइनल ईयर में ऐसे बहुत छात्र हैं जो परीक्षा देने के बावजूद भी उनका रिजल्ट नहीं आ पाया है, और ऐसे कितने ही छात्र और छात्रा हैं जो दूर दूर से प्रतिदिन आते हैं, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन की जो है रवैया इतनी बुरी है कि उन लोगों छात्रों का जो है लगातार उनके द्वारा जो समस्याएँ उठाई जाती हैं उस पर कोई भी कार्रवाई न हो पाना या दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर अविलंब कार्रवाई करे। जो वैसे छात्र 70% वैसे छात्र हैं स्नातकोत्तर के जिनको फेल कर दिया गया है, और उनको किसी का इंटरनल में मार्क्स नहीं चढ़ने की वजह से फेल कर दिया गया है, किसी की परीक्षा विभाग में अनियमितता, परीक्षा विभाग में की समस्या के वजह से उनकी जो है उन्हें फेल कर दिया गया है, ऐसे अनगिनत छात्र हैं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन से आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के द्वारा मांग किया गया कि वैसे छात्र और छात्राएं जिनका की परीक्षा परिणाम में त्रुटि है उसे अविलंब दूर करें, अन्यथा विद्यार्थी परिषद सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन हेतु बात देंगे। धन्यवाद।